हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट, वेलकम। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम इज ऑनर्ड बाय राम। ऑनर्ड मतलब रिस्पेक्ट, बाय राम। राम मीन्स वायलेंट क्रिएचर विथ हॉर्न्स, ऐसे एनिमल्स जिनके क्या हैं, बहुत खतरनाक हॉर्न होते हैं। हॉर्न्स मतलब सिंह, ऐसे एनिमल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। अ स्ट्रेंज फेयर यूज टू बी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन अ विजयापुर स्टेट। एक स्ट्रेंज मेला, फेयर मतलब मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता था हर साल। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया जाता था हर साल कहाँ पर, एक स्टेट था जिसका नाम था विजयापुर में। इट वॉज स्ट्रेंज बिकॉज इट यूज टू बी अ फेयर ऑफ राम्स। वो जो मेला था वो क्या था, स्ट्रेंज था। स्ट्रेंज मतलब अलग था। क्यों? क्योंकि वो फेयर था किसका, राम्स का। राम्स मतलब ऐसे खतरनाक एनिमल्स जिनके क्या होते हैं, हॉर्न्स मतलब सिंह होते हैं, उनका मेला था। द विलेजर्स ऑफ द नेबरिंग विलेजेस यूज टू कलेक्ट इन द फेयर विद देयर स्टाउट राम्स। स्टाउट मीन्स फैट और ऑफ हैवी बिल्ड। आसपास के जितने भी विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो क्या करते थे, इस फेयर में अपने हट्टे कट्टे दो बैल होते थे उनको साथ में लेके आते थे। एंड अरेंज अ फाइट बिटवीन टू राम्स एंड एंजॉय द सीन। और क्या करते थे, इन दोनों बैलों के बीच में लड़ाइयाँ करवाते थे, झगड़ा करवाते थे, फाइट करवाते थे और उस सीन को इंजॉय करते थे। किसको लाते थे बेटा, राम्स मतलब एक तरीके से जो बैल होते हैं उनके बीच में झगड़ा करवाते थे और इस सीन को एंजॉय करते थे। दिस ईयर ऑल्सो अ फेयर ऑफ राम्स हैड बीन ऑर्गेनाइज। हर साल की तरह इस साल भी क्या हुआ, वहाँ पर ये जो मेला था ये आयोजन हुआ, आयोजित हुआ। देयर वॉज अ बिग क्राउड ऑफ थाउजेंड्स इन द मेन मार्केट ऑफ द टाउन। और बहुत लोगों की भीड़ हो गई इस मेले को देखने के लिए। जैसे थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं वो जो टाउन का जो मेन मार्केट था वहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। सो मैनी फार्मर्स ब्रॉट एट लीस्ट वन शाउट राम ईच विद देम। और हर फार्मर्स क्या किया, अपने साथ एक हट्टा कट्टा बैल जो है वो अपने साथ में लेकर आया। जस्ट एज द फाइट ऑफ राम वॉज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज अ संत हैपन टू अराइव एट दिस प्लेस। तभी अचानक जब उन राम की फाइट जो है स्टार्ट होने लगी, तभी अचानक एक संत जो है वो उस जगह पर आ पहुँचा जहाँ पर वो लड़ाई हो रही थी, होने वाली थी। एंड सीइंग अ बिग गैदरिंग ही इंक्वायर्ड अबाउट द ओकेशन एंड द रीज़न बिहाइंड सच अ बिग गैदरिंग। और वहाँ पर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी होते हुए उसने पूछा, यहाँ पे क्या ओकेशन है, क्या चीज़ है और उसके पीछे क्या वजह है कि यहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं, इतनी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो रही है। वन ऑफ द फार्मर्स एक्सप्लेन टू हिम। उसमें से एक फार्मर ने उसको बताया, महाराज दिस इज अ फेयर ऑफ राम, ये जो है किसका मेला है, राम का मेला है। एंड इट इज ऑर्गेनाइज हियर एवरी ईयर, और ये यहाँ पर हर साल है ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो मैनी ग्रुप ऑफ टू राम्स ईच आर मेड एंड दे आर मेड टू फाइट बिटवीन देम। यहाँ पर दो दो जोड़े जो है बैल के उनको बनाया जाता है और उनके बीच में आपस में झगड़ा, फाइटिंग करवाई जाती है। द विनिंग राम इज अवॉर्डेड लॉट्स ऑफ प्राइज, और जो जीता है उसको बहुत सारे इनाम मिलते हैं। इज दैट सो, सेड द संत विद सरप्राइज एंड मेड हिज वे। तो वो संत बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, और वो उस भीड़ से निकल के जो अखड़ा होता है उसके फ्रंट में जाके खड़ा हो जाता है ताकि वो उस लड़ाई को, फाइटिंग को अच्छे से क्लियर तरीके से देख सके। द फाइट हैड स्टार्टेड एंड एवरीवन वाज वाचिंग इट विद फन। फिर वो जो लड़ाई है वो शुरू होती है और हर जना जो है उस लड़ाई को बहुत अच्छे से, मज़े से देख रहा होता है। सडनली वन ऑफ द फाइटिंग राम स्टॉप्ड एंड बिगेन लुक्ड एट द संत। तभी अचानक उसमें से एक जो फाइटिंग राम था वो रुक जाता है और वो संत की तरफ देखता है और वो अपनी जो निगाहें हैं, गेज मतलब निगाहें किसके ऊपर फिक्स कर देता है, उस संत के ऊपर फिक्स कर देता है। द अदर राम ऑल्सो स्टॉप्ड, और उसको देख के दूसरा जो राम होता है, दूसरा जो बैल होता है वो भी रुक जाता है।
राम केम एंड स्टूड बिफोर द संत। और वो जो राम था एक, वो क्या करता है, संत के सामने जाके खड़ा हो जाता है और दौड़ता हुआ उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाता है और अपना सर जो है उसके वहां जाके झुकाता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। बट द सन थॉट, ओ हियर इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट एनिमल, ही हैज़ रियलाइज आई एम अ मैन ऑफ मेरिट एंड ही इज गोइंग टू गिव मी अ सैल्यूट, एटलीस्ट ही नोज हाउ टू ऑनर अ संत। और संत को ये लगता है कि अरे वाह, ये तो कितना समझदार और अच्छा जानवर है, ये तो इसको पता है कि मैं एक बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत गुणों वाला आदमी हूँ, तो ये मुझे क्या करने आया है, सैल्यूट करने आया है। एटलीस्ट इसको तो पता है कि एक संत की कैसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट इस जानवर को इतना पता है। द ओनर ऑफ द राम वॉज क्विक टू रियलाइज दैट द संत वॉज फीलिंग फ्लैटन, सो इन अ बिड टू अलर्ट हिम ही सेड, महाराज प्लीज गेट आउट ऑफ इट्स वे और एल्स इट विल हिट यू, डोंट थिंक दैट दिस राम इज गोइंग बिफोर यू इन अ गेस्चर ऑफ सैल्यूट, इट इज प्रिपेयरिंग इट सेल्फ टू लॉन्च एन अटैक ऑन यू, बी केयरफुल प्लीज। तभी उस राम का जो ऑनर है उसको ये लगता है कि वो जो संत है उसको क्या कर रहा है, अपने आप को प्राउड फील कर रहा है कि ये जो है वो मुझे सैल्यूट करने आया है, तो वो उसको अलर्ट करता है कि महाराज प्लीज़ आप इस रास्ते से हट जाइए वरना वो आपको हिट कर देगा, हिट कर देगा मतलब मार देगा। आप ये समझ मत समझो कि वो आपको क्या कर रहा है, सैल्यूट करने आया है, ये इसका सैल्यूट करने का गेस्चर नहीं है, ये आपको क्या करने आया है, अटैक करने आया है, सो बी केयरफुल प्लीज़। तो आप क्या हो जाइए, केयरफुल हो जाइए, आप ये मत समझिए कि ये आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये जो इसने गेस्चर लिया है, पोस्चर लिया है, ये किसके लिए है, आपको हिट करने के लिए है, तो आप इसको देख के साइड में चले जाइए। नो नो कम ऑन, दिस इज अ स्पीसलेस क्रिएचर, हाउ विल इट हिट एनी वन, इट इन फैक्ट वॉन्ट टू हैव माई ब्लेसिंग, इट इज ह्यूमन बींग हु टॉर्चर दिस स्पीचलेस क्रिएचर। तो वो सन बोलता है नो नो, इसको आने दो, ये तो एक बेजुबान जानवर है, ये मुझे कैसे हिट कर सकता है, इट इन फैक्ट वॉन्ट टू हैव माई ब्लेसिंग, ये तो मेरी दुआएं लेने, मेरी मेरा आशीर्वाद लेने आया है। इट इज़ अस ह्यूमन बींग हु टॉर्चर दिस स्पीचलेस क्रिएचर, ये तो हम लोग हैं, हम लोग जो हैं वो इन बेजुबान जानवरों को टॉर्चर करते हैं। महाराज यू आर फॉरगेटिंग दैट इट्स अ राम एंड इज़ अ वायलेंट बाय नेचर। तो वो बोलता है महाराज आप ये भूल रहे हो कि ये राम है, ये नेचर से ही कैसा है, वायलेंट है, वायलेंट मतलब खतरनाक है, इवन गॉड कैन नॉट चेंज इज नेचर, ये जानवर ऐसा है कि भगवान भी इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द इंडिविजुअल नेचर ऑफ एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड दैट टेल अबाउट इट, और वर्ल्ड में कोई भी इंसान जो है इस क्रिएचर के बारे में बता देगा कि ये क्रिएचर जो है, ये जानवर जो है वो कितना खतरनाक है। नो नो यू आर अ फूल, तो वो संत बोलता है नहीं नहीं तुम तो बेवकूफ हो। अनादर पर्सन स्टैंडिंग नियर हिम सेड, महाराज दिस राम्स आर मीन फॉर फाइटिंग। तो पास में एक जो इंसान है वो खड़ा होता है, वो कहता है महाराज ये जो जानवर है ये किसके लिए है, लड़ाने के लिए ही है, फाइटिंग के लिए ही है, वॉयलेंस इज देयर इन देयर नेचर, जो अहिंसा है वो क्या है, इनके नेचर में ही है, आप मत समझो कि ये आपको हिट नहीं करेगा, इनका नेचर ही ऐसा है, ये यही ऐसे है। बट द संत डिडंट लिसन टू एनीवन, लेकिन उस संत ने किसी की बात नहीं मानी, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही एडवांस टूवर्ड द राम एंड द राम ऑल्सो एडवांस 2 पैसे टूवर्ड द सन, और बात को इग्नोर करके वो 2 कदम उस जानवर की तरफ बढ़ा और वो राम था वो भी क्या हुआ, 2 कदम उस संत की तरफ बढ़ा। द ऑनर ऑफ द राम ट्राइड टू स्टॉप द राम बट बाय दैट टाइम इट वॉज टू लेट, और उसका जो जानवर का जो राम का ऑनर था उसने उसको रोकने की कोशिश करी थी बट बहुत देर हो चुकी थी, वो नहीं उसको रोक पाया। एंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई द राम टुक द संत ऑन इट हॉर्न्स एंड सेट हिम रोलिंग द ग्राउंड, और फिर क्या हुआ, अपनी आँख को चमकाते हुए उसने क्या किया, उस राम ने उस संत को अपने सिंग पे बिठाया, हॉर्न्स पे, और उसको घसीटते घसीटते ग्राउंड के साथ उसको लेके चलता गया, जमीन के सहारे उसको घसीटते घसीटते लेके गया। हे राम द सन श्रिंक विद पेन, और वो जो संत थे वो बोले हे राम किसके, मतलब उनके अंदर उनको बहुत दर्द हो रहा था, दर्द से बोले वो हे राम द सेंट फेल फेस डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक ऑल हिज टीथ, और वो क्या हुआ, जो संत थे वो मुंह के बल नीचे गिरे जमीन पे और उनके जो दांत थे वो टूट गए, हिज माउथ फिल्ड विद ब्लड, और उनके मुंह में खून ही खून आ गए।
पीपल अराउंड समहाउ मैनेज टू पुश द राम बैक एंड हेल्पिंग द संत स्टैंड ऑन हिज फीट दे सेड, वाई महाराज हैड वी नॉट टोल्ड यू दैट राम आर वायलेंट बाय नेचर। और आसपास के लोग थे, उन्होंने क्या किया, राम को पीछे हटाने की कोशिश करी और उस संत की खड़े होने में हेल्प करी ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, और उनको बोला वाय महाराज हमने आपको कहा था ना कि ये राम जो है वो बहुत खतरनाक है, इसका नेचर ही बहुत क्या है, खतरनाक है, पर आपने हमारी बात नहीं मानी, आपको लगा कि ये आपको ऑनर करने आ रहा है, आशीर्वाद लेने आ रहा है, बल्कि इनका नेचर ही ऐसा है, ये आपको हिट करने के लिए आ रहा था। यस ब्रदर्स सेड द संत विनिंग विथ पेन, ठीक है, और ये रोते हुए दुख के साथ दर्द के साथ उन्होंने बोला हाँ भाइयों इट वॉज इंडीड माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, यू वर राइट वैन यू सेड दैट राम्स आर वायलेंट बाय नेचर, तुमने सही कहा था कि ये जानवर जो है वो नेचर से ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। ओ गॉड इट हैज़ ब्रोकन माई बोन्स, हे भगवान इसने क्या करा, मेरी हड्डियाँ तोड़ दी, हड्डियाँ मतलब बोन्स। पीपल पुट द संत बैक एंड गेव हिम सम वाटर टू क्लीन हिज माउथ, लोगों ने उन संत को पीछे की तरफ खींचा और उनको पानी दिया ताकि वो अपना मुँह जो है वो साफ कर सके। द संत टुक वाटर इन माउथ एंड केप्ड स्क्विटरिंग, और उन्होंने मुँह में पानी भरा और उससे कुल्ला करने की कोशिश करी, इट आउट अंटिल हिज माउथ बिकम क्लीन, जब तक उनका जो माउथ है वो क्लीन नहीं हो जाए, मतलब उनके मुँह में खून आ गए थे तो उन्होंने उस पानी से उसको क्लीन करने की कोशिश करी। देन ही वॉज ऑफर्ड सम मिल्क टू ड्रिंक, और उनको कुछ मिल्क दिया, ऑफर किया ताकि वो दूध पिए। नाउ इट हैड बिकम क्लियर टू द संत डेट एवरी क्रिएचर हैज इज ओन इंडिविजुअल नेचर, और उस संत को ये पता चल गया कि हर जानवर का अपना एक नेचर होता है जिसका वो नेचर कभी नहीं बदलता है, तो उस जानवर का, उस राम का, उस बैल का भी नेचर है कि वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो वो किसी के भी अपना नेचर नहीं बदलते हैं। आया बेटा समझ में, तो हर इंसान का भी क्या होता है, अपना एक नेचर होता है, और हर जानवर का भी क्या होता है, अपना एक नेचर होता है, तो वो उसका नेचर वो कभी नहीं बदल सकता है। थैंक यू।